डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का हमारा वीडियो लेक्चर है CS 307 का, डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग में मोटिवेशंस फॉर यूजिंग OLAP। ये टॉपिक, ये वीडियो वापस रिक्रिएट किया जा रहा है क्योंकि आपके रिक्वेस्ट थी कि जो वीडियो पहले अपलोड हुए हैं उनकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, टेक्स्ट क्वालिटी अच्छी नहीं थी और समझ में भी कम आ रहा था और टेक्स्ट भी साफ नहीं था, तो आप इसको वापस रीलोड करें। तो मैंने उस वीडियो की जगह ये वीडियो अपलोड किया है, तो इसमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। साथ ही आप बुक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक्स में इस टॉपिक पे स्टडी करें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का भी स्टडी करें और कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में उसको एनालिसिस करें, ऑब्जेक्टिव टाइप को एनालिसिस करें और स्टडी करें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो मोटिवेशंस के अंदर बात करेंगे तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि वो फास्ट है या वो शेड है या वो है, तो ये चीज़ मोटिवेशन मतलब क्यों यूज लिया जाए इसको, तो इसको यूज लेने के बेनिफिट्स बहुत है या कारण क्या क्या है वो हम बात करेंगे। कि एक तो इस कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो उसमें सब चीज़ें शामिल हैं कि हमें इसको यूज लेना चाहिए एनालिसिस के लिए। दूसरा है कि बेनिफिट्स है इसके कि ये फास्ट है या जितने भी डायमेंशंस के डेटा अवेलेबल हैं डेटा वेयर हाउस में डेटाबेसेस, उन सब से हर डायमेंशंस के आपको रिजल्ट्स, हर डायमेंशंस में आपको रिपोर्ट्स ये क्रिएट कर सकता है। फिर टेक्नोलॉजी है फास्ट, जो आपको फास्ट और अप्रोप्रिएट और आपको आप जो चाहते हैं उसके नज़दीकी या आपको उस रिजल्ट के नज़दीक ही रिजल्ट आप देता हो जो गलत होने की संभावना कम है। और रिपोर्टिंग भी ये फास्ट देता है, नहीं अच्छी रिपोर्टिंग करता है, जो आपको मल्टी डायमेंशनलिटी है कि आप डायमेंशंस में कितने भी डायमेंशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही ये कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, फास्ट है और बहुत बड़े डेटा को ये सपोर्ट करता है, इसलिए भी इसको आप एनालिटिकल OLTP को यूज ले सकते हो, एनालिटिकल प्रोसेसिंग को। और उसके बाद में रिलेशनल डेटाबेस को भी ये सपोर्ट करता है और मल्टी डायमेंशनल डेटा को भी, हाइब्रिड भी OLTP होते हैं उनको भी ये, वैसे आप तो इसका कहने का मतलब है कि हर फील्ड को, हर टाइप को ये सपोर्ट करता है, तो इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो इसको यूज करने से ऐसे ये डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है कि अगर कोई कंपनी अब किसी डिसीजन पे कोई डिसीजन लेना चाहे किसी इश्यू पे, तो उसको डिसीजन मेकिंग के लिए इनको एनालिसिस करके वो डिसीजन ले सकती है और फ्यूचर प्लानिंग वो कर सकती है। उसके बाद आते हैं तो बिजनेस ग्रोथ भी कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग लिया इसके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट हुआ, प्लानिंग चेंज हुई या प्लानिंग नहीं ली या प्लानिंग में बदलाव किया या किसी प्लानिंग को छोड़ के उसकी जगह दूसरा प्लानिंग हमने इम्प्लीमेंट किया, तो उससे बिजनेस ग्रोथ भी होने की संभावना रहती है। इजी स्टेप्स में ये काम आपको, इजी स्टेप्स में आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, इजी रूप से आप ये यूज ले सकते हो। इसलिए मोटिवेशन इसका यही है कि इसको आप यूज लेंगे या इसको एक्सपर्ट्स जो हैं, जो मैनेजर्स हैं या कंपनी के मालिक हैं या एनालिसिस करने वाले हैं इसको OLAP पे, तो वो लोग इसको यूज लेके और अपना अनुसार वो बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपना वर्किंग कर सकते हैं। धन्यवाद।